हेलो फ्रेंड्स, लोकसभा का कारपेट हरा रंग और राज्यसभा का कारपेट लाल रंग ही क्यों? वकील काला कोट और डॉक्टर सफ़ेद कोटी क्यों पहनते हैं? क्या किस करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है? गाल पर डिंपल क्यों होते हैं? तो ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं हूँ वीवी प्रजापति और आप सभी लोगों का हमारे वीवी नेटवर्क चैनल में स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हम लेकर चलते हैं आप सभी को टॉपिक की तरफ। नंबर 10, यदि आप भारत में रहते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोकसभा का कारपेट हरा रंग ही क्यों और राज्यसभा का कारपेट लाल रंग ही क्यों? यदि आपको नहीं पता है यह फैक्ट, मैं बताता हूँ। इससे पहले आप ज्ञान की भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है और राज्यसभा में रेड कारपेट बिछाया जाता है। ऐसा किसी संयोग बस नहीं बल्कि सोच विचार कर किया गया है, क्योंकि लोकसभा भारत की जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इन प्रतिनिधियों के जमीन से जुड़े होने के प्रतीक के तौर पर हरे रंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि घास या बड़े स्तर पर कृषि का प्रतीक हरे रंग को माना जाता है। दूसरी ओर राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा में रेड कारपेट बिछाने के पीछे दो विचार रहे हैं। एक, लाल रंग राजसी गौरव का प्रतीक रहा है और दूसरा, लाल रंग शहीदों के बलिदान का प्रतीक समझा गया है। इन विचारों के चलते राज्यसभा में रेड कारपेट बिछाया जाता है। क्या इससे पहले ये फैक्ट आपको मालूम था या नहीं, कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक अभी कर दें। फैक्ट नंबर 9, आप सभी वकील तो जरूर देखे होंगे, यदि रियल में नहीं तो फिल्मों में जरूर देखे होंगे कि वकील काला कोटी क्यों पहनता है। क्या ये फैक्ट आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। दरअसल वकीलों के काला कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के सिस्टम से ही चलती है, इसीलिए भारतीय कोर्ट में वकीलों के ब्लैक कोट पहनने का रिवाज आज भी चल रहा है। 1865 में इंग्लैंड के शाही परिवार ने किंग चार्ल्स द्वितीय के निधन पर कोर्ट को ब्लैक कपड़े पहनने का आदेश दिया था। तब से कोर्ट में ब्लैक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया। भारत में सन 1961 में वकीलों के लिए काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। माना जाता है कि यह ब्लैक ड्रेस वकीलों में अनुशासन लाता है और न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है। फैक्ट नंबर 8, डॉक्टर सफ़ेद कोटी क्यों पहनते हैं? जी हाँ, डॉक्टरों के सफ़ेद कोट पहनने का किस्सा भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है। दरअसल सफ़ेद रंग डॉक्टर की शांति और ईमानदारी व्यक्त करता है। यह रंग मरीजों की आंखों को भी सुकून देता है तथा यह रंग शरीर के तापमान को नॉर्मल बनाए रखने में मददगार होता है। फैक्ट नंबर 7, यदि किसी के गाल पर डिंपल हो तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गाल पर डिंपल क्यों? यदि नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मांसपेशियों का विकास ठीक से न होने के वजह से ही गाल पर डिंपल पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, किस करना भी होता है बहुत फ़ायदेमंद। जी हाँ, किस के दौरान शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनता है जो दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए पंप होने में दिल की मदद करता है। फैक्ट नंबर 5, यह फैक्ट जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। एप्पल कंपनी ने फिल्मों में विलेन को आईफोन यूज करने की अनुमति नहीं दी है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा देश जहां पत्नी के वजन के बराबर दी जाती है बियर। जी हाँ, उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में पत्नी को उठाकर दौड़ने की चैंपियनशिप में जीतने वाले को पत्नी के वजन के बराबर बियर दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा सांप जिसके काटने से शरीर के हर छिद्र से खून निकलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, उस सांप का नाम है बूमस लंग। यह वही सांप है जिसके काटने से शरीर के हर छिद्र से खून निकलना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसे पक्षी जो पेड़ पर बैठ जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। जी हाँ, उस पक्षी का नाम है पोटू, जो पेड़ होने का दिखावा करता है।
भारत नंबर वन एक ऐसा देश जहां साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी की तरफ से अलग से पैसे दिए जाते हैं। वहां 1 किलोमीटर साइकिल चलाने पर लगभग 16 रुपये मिलता है। जी हां, उस देश का नाम है नीदरलैंड। तो आज के इन 10 फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में लिखकर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि आपको हैरान कर देने वाली वीडियो होगी।